Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chemistry Tics. After so many days we will back to our channels again now. Okay, actually Diwali ki chuttiya thi, meri bhi chuttiya thi, iske wajah se main kuch dino tak lectures nahi le pai. Theek hai, chalo ab phir se restart karte hain hamare lectures. Okay, aaj kuch different lete hain. Aaj chalo thoda sa kya karte hain, kuch chemical reactions dekhte hain, that is related to organic chemistry now. Theek hai, ab kya dekhne wale, dekho. आपको बहुत ज्यादा टाइम, अभी आपने सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया होगा तभी आपको समझ में आया होगा कि जो क्वेश्चंस होते हैं, मैंने जो पहले पढ़ाए थे क्वेश्चन या फिर रिएक्शंस लिखे थे, उस पैटर्न में तो क्वेश्चन नहीं होता है. एक्चुअली क्वेश्चन कुछ इस पैटर्न में था एग्जाम में और हमें एक्चुअली सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, मतलब आ नहीं रहा था कि कैसे सॉल्व करें इसको. एकदम ईजी होता है पार्ट. देखो अभी मैं क्वेश्चन में यहाँ पे कर रही हूँ सॉल्व. ठीक है, तो ये है हमारा रिएक्टेंट. कभी भी रिएक्शन में लेफ्ट साइड में एक्सट्रीमली क्या होता है, रिएक्टेंट होता है. उसके बाद क्या होता है हमारा रिएजेंट. ठीक है, एरो के ऊपर नीचे क्या होता है हमारा कैटलिस्ट होता है. तो ये हमारा क्वेश्चन है, इससे आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन आता है नॉर्मली 2 मार्क्स के लिए. तो ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, पहला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखो. यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, यहाँ पे ये मैग्नीशियम है. तो अभी तो आपको समझ में नहीं आया होगा कि क्वेश्चन क्या है, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा. तो थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर लगाओ. मैग्नीशियम जो होता है वो मेटल से, तो मेटल का चार्ज क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है, अब जो कार्बन होता है वो कार्बन दोनों चार्ज कैरी करता है, पॉजिटिव भी चार्ज कैरी करता है, निगेटिव भी चार्ज कैरी करता है. कभी भी केमिकल रिएक्शन में पॉजिटिव निगेटिव टाइप ऑफ अट्रैक्शन होता है. कभी भी केमिकल रिएक्शन किस पैटर्न में फॉर्म होती है, दैट इज पॉजिटिव निगेटिव टाइप ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, तो पहले हमें ये तो समझ में आया कि ये प्लस टू चार्ज है, ये क्या हमारा निगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है. इससे रिलेटेड हमने कुछ रिएक्शन बनाई थी कि नहीं, देखो जनरल रिएक्शन अगर ये देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये टोटली पार्ट क्या होता है, आर ग्रुप होता है. बराबर है, आर का मतलब क्या होता है, 1 हाइड्रोजन इज लेस देन अल्केन. ठीक है, अब इसके बाद ये बी आर है, तो बी आर का मतलब क्या होता है, ये एक्स. एक्स का मतलब क्या है, सी एल बी आर आई एफ. ओके, सो दिस इज द पार्ट ऑफ व्हाट, अल्काइल हैलाइड. ठीक है, ये जनरल रिएक्शन मैंने प्रिपेयर की. दिमाग पे फर्स्ट वन आपको जनरल रिएक्शन ही लिखनी है. उसके बाद क्या करना है, एमजी लिखा, ये ड्राई इथर लिखा. ठीक है, तो आर ये कार्बो कैटन भी हो सकता है, कार्बो एनायन भी हो सकता है, बट ये प्लस टू चार्ज होता है कंपलसरी. एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम 12 है, उसका रेशियो आएगा 2s2 6s2 2. ना मतलब आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो आपको रिमूव करनी है, मतलब डोनेट करेगा वो. तो ये वाला जो पार्ट है ये इन बिटवीन जाएगा और इससे क्या बनेगा, देखो आर एम जी एक्स. इसमें क्या होता है, जो आर होता है वो क्या करेगा, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज था, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज अपना शिफ्ट करता है, मतलब चेंज करता है. तो ये बनेगा हमारा आर एम जी एक्स. आर एम जी एक्स का मतलब क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, तो ये बना हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. मतलब इससे क्या प्रिपेयर हो रहा है रिएक्शन में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर हो रहा है. इसका आंसर भी किस पैटर्न में आएगा, ये भी हमारा क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही बनना चाहिए. ठीक है, चलो देखते हैं अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनेगा. मैंने अटैक क्या कहां पे किया था, मैग्नेशियम का, इन बिटवीन आर एंड एक्स. तो ये वाला मैग्नेशियम भी कहां पे जाएगा, इन बिटवीन दैट आर एंड एक्स ना, मतलब यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा था तो मैंने इसको ही जस्ट ब्रेक किया. अभी देखो अभी क्या होगा हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन. बाकी तो एज इट इज लिखना है आपको, सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री, ये यहाँ पे हम लिखेंगे एम जी और ये आएगा हमारा बी आर. समझ में, सो दिस इज आवर प्रोडक्ट. कितना इजी है प्रोडक्ट लिखना, समझ में. अगर हमने जनरल रिएक्शन परफेक्टली किए होंगे तो क्या कर सकते हैं आप, इजिली उसके एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं. एग्जाम में कौन सा भी क्वेश्चन आने दो ना, डजंट मैटर हियर. देखो अब ये वाली रिएक्शन देखी ना, तो ये सिर्फ आपको एक ही मार्क ही देगा, तो आपको तो 2 मार्क्स के लिए रिएक्शन है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका रिएक्टेंट का नेम भी लिखना पड़ता है. आप आइदर आयुपैक नेम लिखो, आइदर कॉमन नेम लिखो. तो कॉमन नेम में कितने कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3 है ना, तो 3 कार्बन का मतलब क्या होता है, प्रोपाइल. सेकेंड पोजिशन पे बी आर है, तो इसका मतलब क्या आएगा, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड. इसका नेम क्या आएगा, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड. और ये है हमारा मैग्नीशियम. ठीक है, अब इसका कॉमन नेम भी लिख सकते हो, कितने कार्बन से, 1 2 3.
सेकंड पोजीशन पे बी आर है ना, तो क्या आएगा इसका नेम? टू ब्रोमो। और कितने कार्बन है टोटल? थ्री है। प्रोप, ए एन ई का मतलब क्या होता है? ऑल द कार्बन आर सिंगली बॉन्डेड, तो नेम क्या बनेगा इसका? टू ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इसका अगर आप नेम लिखोगे, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट नहीं है केमिकल रिएक्शन में, तो ये क्या आएगा? आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल है, बट बीच में आया अभी क्या है यहाँ पे? मैग्नीशियम आया ना, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमें? आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिखना पड़ेगा ना, समझ में आया? अब इसके बाद ये बनेगा आपका वन एंड हाफ मार्क, यहां तक आपका कितना बनेगा? वन एंड हाफ मार्क्स बनेगा। आपको तो मिलना चाहिए टू मार्क्स, रिएक्शन करेक्ट है फिर भी टू मार्क्स नहीं मिल रहा है, तो एकदम इजी है। टू मार्क्स के लिए हमें सिर्फ क्या करना है, इसी केमिकल रिएक्शन को वर्ड में कन्वर्ट करना है। तो वर्ड में क्या कैसे कन्वर्ट करोगे? व्हेन आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ व्हाट? मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ड्राई ईथर इट फॉर्म्स आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इतना पार्ट अगर आपने लिखा तो आपके कंपल्सरी टू मार्क्स कहां पे भी नहीं जाएंगे ना, समझ में किस पैटर्न में रिएक्शन करनी है। ठीक है, चलो अभी देख नेक्स्ट रिएक्शन देखते। नेक्स्ट रिएक्शन में अभी जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम था, यहाँ पे मैग्नीशियम नहीं है, यहाँ पे तो क्या लिखा है? सोडियम लिखा है ना, तो फिर से रिएक्शन रिमाइंड करो। चलो रिएक्शन कौन सी है इससे रिलेटेड? अगर हमने रिएक्शन देखी है ना, रिएक्शन मेरे ख्याल से बिफोर दिवाली क्या थी, देखो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है हमारा? आर ग्रुप है ना, तो पहले आर ग्रुप ही लिखते, उसके बाद डिफरेंट कौन सा ग्रुप है यहाँ पे? डिफरेंट कौन सा ग्रुप है? कार्बन छोड़ के कौन सा ग्रुप है? बी आर है, तो बी आर का मतलब क्या है फिर से? एक्स है। किसके साथ रिएक्ट हो रहा है यहाँ पे? ये सोडियम के साथ रिएक्ट हो रहा है। ठीक है, अब बाय यूजिंग कैटलिस्ट व्हाट हियर? दैट इज अ ड्राई ईथर, तो सोडियम है, तो सोडियम और ड्राई ईथर है, तो रिएक्शन कौन सी बन सकती है? विच वन इज दैट? दैट इज यस वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में क्या करना पड़ता है? जो सोडियम होता है ये बीच में लाना पड़ता है और ट्वाइस ऑफ करना पड़ता है, इसकी एग्जैक्टली मिरर इमेज लिखनी पड़ती है, तो मिरर इमेज क्या बनती है? आर एक्स। इसको आप क्या करोगे, रिएक्शन में से रिमूव करोगे, आर आर दोनों कंबाइन हो गए और इससे प्रिपेयर होगा हायर मेंबर ऑफ व्हाट? अल्केन। जितने रिएक्टेंट में कार्बन है उससे एग्जैक्टली डबल नंबर ऑफ कार्बन प्रिपेयर हो गए यहाँ पे ना। प्लस रिमेनिंग कंपोनेंट विच वन इज दैट? दैट इज अ चॉइस ऑफ एन ए एक्स, समझ में? यहां पे भी सेम करनी है आपको। कैसे करोगे अभी देखो, एकदम इजी है। इसकी मिरर इमेज बनानी पड़ेगी, जैसे हमने यहाँ पे मिरर इमेज बनाई थी, ये दोनों पार्ट सेम है ना, बीच में आईना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कंसिडर करते ना, चलो यहाँ पे बीच में हमारा आईना है। लिखो अभी केमिकल रिएक्शन एज इट इज इन द पार्ट CH3, CH के बाद ऊपर अभी लिखो CH3, यहाँ पे क्या है? CH, CH के ऊपर क्या है? Br है। अब इसके बाद क्या है? ये CH2, CH2 के बाद क्या है? CH3 है। प्लस यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा अभी? ट्वाइस ऑफ Na। ये थोड़ा पार्ट जो है ना, मैं यहाँ पे बीच में लिखती हूँ, ठीक है। अब क्या करोगे देखो, रिएक्शन में कौन सा कंपोनेंट रिमूव हो रहा था? ट्वाइस ऑफ NX, मतलब क्या रिमूव होगा इसमें से? ये ट्वाइस ऑफ एने एक्स रिमूव होगा, बराबर है। अब इसके बाद क्या करोगे? दोनों कार्बन मतलब आर ग्रुप एक दूसरे को डायरेक्टली अटैच कर रहे थे, दोनों आर ग्रुप एक दूसरे को डायरेक्टली अटैच कर रहे थे, तो कैसे करोगे अटैचमेंट? देखो ये था हमारा ड्राई ईथर, ये थोड़ा सा मैंने पीछे लिया, दिस इज द पार्ट ऑफ व्हाट? यह ड्राई ईथर। अब प्रोडक्ट लिखते हैं, चलो एज इट इज लिखना पड़ेगा ना। प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट CH3, CH, CH3, CH, CH2, CH3। अब ये CH बीच में है ना, तो इस CH को ये अटैच हो रहा है। इसके बाद क्या है? ये CH है, ये वाला CH3 मैं नीचे लिख रही हूँ, रिमेम्बर द पार्ट, ये वाला CH3 ऊपर का था, ये नीचे लिखा मैंने, डजंट मैटर आप कहाँ पे लिख सकते हो। और उसके बाद क्या है? ये CH3 है, यहाँ पे क्या है हमारा? CH2, और ये क्या है हमारा? CH3। बाय लॉस ऑफ व्हिच वन कंपोनेंट? ट्वाइस ऑफ Na एक्स, मतलब क्या होगा? ट्वाइस ऑफ Na, ट्वाइस ऑफ Na Br ना, ट्वाइस ऑफ Na Br, समझ में? अब देखो इस रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोडक्ट? सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन हियर। देखो यहां से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे थ्री कार्बन है, और यहां से भी कर सकते हैं, तो थ्री कार्बन की है, तो चलो यहां से कर सकते, इजी होगा ये आपके लिए।
थ्री फोर फाइव एंड ये सिक्स बनेगा क्योंकि यहाँ पे आइसो लिखना पड़ता होगा। ये थर्ड पोजीशन पे क्या है, इथाइल है। सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, अल्फाबेटिकली नेम्स लिखने पड़ते हैं। तो थर्ड पोजीशन पे क्या है, इथाइल है ना, तो क्या लिखना पड़ेगा, थ्री इथाइल। एंड सेकंड पोजीशन पे क्या है, टू मिथाइल। सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है तो इसका मतलब क्या आएगा, टू मिथाइल। टू मिथाइल के बाद कितने कार्बन है, सिक्स है, मतलब क्या बनेगा ये, सिक्स का मतलब क्या होता है, हेक्स। सिंगली बॉन्डेड है ना ये सभी, मतलब क्या होगा ये, हेक्सेन। तो देखो इसका नेम क्या आएगा, या व्हाट इज द नेम, दैट इज थ्री इथाइल टू मिथाइल हेक्सेन। अब देखो रिएक्टेंट का नेम, यहाँ पे रिएक्टेंट का नेम कैसे लिखोगे, देखो लॉन्गेस्ट चेन हमें देखनी है, यहां से स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे थर्ड पोजिशन पे भी आ रहा है, यहां से स्टार्ट करोगे तो थर्ड पोजिशन पे भी आ रहा है, बट अगर यहां से स्टार्ट करोगे तो सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, और एक मिथाइल ग्रुप है ना, तो ये नियरेस्ट ग्रुप होगा हमारा। तो इसके लिए अब इसका नेम कैसे लिखना पड़ेगा, देखो ये मैं थोड़ा रफ करती हूँ ना पार्ट, चलो वन टू थ्री फोर फाइव निकाला मैंने क्योंकि सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है। अल्फाबेटिकली बी इज द फर्स्ट, सो थ्री ब्रोमो। सेकंड पोजिशन पे क्या है, अभी मिथाइल है ना, तो मैंने लिखा चलो टू मिथाइल, सो थ्री ब्रोमो टू मिथाइल। कितने कार्बन से, फाइव है, तो इसका मतलब क्या होगा, फाइव कार्बन का मतलब क्या होता है, पेंट। सिंगली बॉन्डेड है ना तो पेंटेन आएगा। सो व्हाट इज द नेम ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज थ्री ब्रोमो टू मिथाइल पेंटेन। रिएक्टेंट का नेम लिखा, ये है हमारा सोडियम। अब रिएक्शन वर्ड में कंप्लीट करनी है आपको, वे कैसे करोगे, दैट इज टू ब्रोमो थ्री सॉरी थ्री ब्रोमो टू मिथाइल पेंटेन रिएक्ट्स विद मैग्नेशियम इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ड्राई इथर, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, थ्री इथाइल टू मिथाइल हेक्सेन बाय लॉस ऑफ व्हाट, सोडियम ब्रोमाइड, बाय लॉस ऑफ व्हाट हियर, सोडियम ब्रोमाइड। समझ में आपको किस पैटर्न में रिएक्शंस सॉल्व करने, सबसे इंपॉर्टेंट और इजी जो पार्ट होता है ना वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है। सिर्फ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आना चाहिए कि किस पैटर्न में आपको रिएक्शन करनी है, जनरल रिएक्शन किस पैटर्न में आपको सॉल्व करनी है, वो अगर आपको पार्ट इजीली समझ में आएगा तो आप यू कैन डू एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, दोज आर वेरी क्रिटिकल टू अदर मेंबर्स ना, बट आपके लिए वो क्या होगी, इजी होगी ना। ओके, समझ में आया आपको ये वीडियो मेरा, इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड, एज वेल एज व्हाट फिट सॉरी वुड्स रिएजेंट से रिलेटेड ना, ठीक है। मैं दोनों ये वीडियोज की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड करती हूँ, आप वो भी देख लो तो आपको ये रिएक्शन और ज़्यादा इजिली समझ में आएगी ना। ओके, चलो, थैंक यू।